103 सीडी पे ट्रेन जा रही है 616 पे, सो आई हैव टू गो नाउ बिकॉज ये सामने ट्रेन है। हाय गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ट्रिप विद साइमा, और मैं जा रही हूँ एटलबर्ग। दिस इज एन अदर सिटी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 सीडी से जा रही हूँ और ट्रेन सामने है। सो आई मिस द ट्रेन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 सीडी है, लेकिन मैं आई थॉट के मैं भाग के गई, आई थॉट के वो वाली ट्रेन है जिसके पीछे खड़ी है, बट देन द सिक्योरिटी पर्सन ही टोल्ड मी दिस वन इज नॉट गोइंग टू एटलबर्ग, दैट वन, एंड इट हैज़ गोन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनदर प्लेटफॉर्म जो कि है 7 सीडी, और वहाँ पर ट्रेन जा रही है। You have another train in 7 CD. Yes. Thank you. Now he's telling me that you, ma'am, you have another train. So I already knew that. He was giving me the information. So nice of him. Here everyone is very supportive. और आई मीन आप उनको हेल्प करना भी कहें तो वो बहुत अच्छे से आपको ना खुद ही से, अगर उनको पता है आपकी प्रॉब्लम तो वो खुद ही से ही आपको गाइड करेंगे। एंड आई वॉन्टेड टू गेट द कॉफ़ी कि मैं कॉफ़ी लेके ट्रेन में चली जाऊँ, बट यहाँ पर तो क्यू देखें तो उतनी देर में तो वो दूसरी ट्रेन भी चली जाएगी। सो इट्स बेटर कि मैं ट्रेन की तरफ ही जाऊँ। यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है, अनदर वन इज 7 और 8। दिस वन और यहाँ से ये है 7 सीडी। तो ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। यस, सो दिस वन द 8th प्लेटफॉर्म एंड दिस वन इज द 7th। ट्रेन और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो मैं पीछे वाली सारी सीट्स छोड़ कर आगे आई थी, क्योंकि ये वाली जो सीट्स हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और उनकी जो डायरेक्शन थी वो दूसरी तरफ थी, तो वो फिर सारी चीज़ें जो उनसी हैं ना वो फिर आपको चक्कर से आते हैं। सामने जो पूरा जो व्यू है वो अगर पीछे की तरफ जाता रहे ना देन यू आर फाइन। तो मैं हमेशा ये वाली सीट लेती हूँ ताकि जो बाहर का व्यू है वो पीछे जाता रहे।
आई हैव रीच्ड एथलब्रुक और यहाँ से मैं अभी प्लेटफॉर्म पर ही हूँ जहाँ पर मेरी ट्रेन रुकी थी और अब आई एम वेटिंग फॉर द अनदर ट्रेन बिकॉज आई एम गोइंग टू विल्ट्स और विल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड है बिकॉज आई एम लिविंग इन लग्जमबर्ग सिटी एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन माई प्रीवियस वीडियो लग्जमबर्ग इज़ अ कंट्री बट लग्जमबर्ग के अंदर ही जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं उसमें लग्जमबर्ग सिटी भी है जो कि मेन सिटी जिसका गैख स्टेशन है लग्जमबर्ग के नाम से ही और लग्जमबर्ग सिटी भी अंदर ही है लग्जमबर्ग कंट्री के अंदर वो मेन सेंट्रल जगह है जहाँ पर मैं रहती हूँ और नाउ आई एम गोइंग टू वुल्ट्स वुल्ट्स इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस मेरी जो इनिशियल वीडियोस है उसमें मैंने आपको वुल्ट्स का ही सबसे पहले जो गैख स्टेशन है गैख जिसको कहते हैं फ्रेंच में वो दिखाया था और दैट वाज सो ब्यूटीफुल क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको चर्च भी दिखाया था और स्टेशन भी दिखाया था इन आई थिंक मेरी जो बिगनिंग की वीडियोस है उसमें है लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ तो डेफिनेटली आपको फिर से उसका विज़िट भी करवाऊँगी और वहाँ की जो खूबसूरत लोकेशन है जगह है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और मुझे बहुत ही क्यूट सा एक पप्पी दिखाई दिया है और एज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर जितने भी इनके पेट्स होते हैं उनको ये अपने साथ साथ ट्रैम में ट्रेन में और बसेस में हर जगह उनको साथ लेके जाते हैं इवन रेस्टोरेंट हो कहीं पे भी हो और विल्ट्स में हो रही है स्नोफॉल और विल्ट्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बहुत ठंड है वहाँ पे और मैंने बेसिकली जो अपने पफर हैं आई डोंट वेयर दैट नाउ लेकिन चूँकि आई एम गोइंग टू विल्ट्स तो मैंने इसीलिए अपने पफर जैकेट कैरी कर ली है ताकि वहाँ पर अगर स्नो भी होती है और उससे पहले दो तीन दिन पहले स्टॉर्म भी आया था काफ़ी ज़्यादा और मेरी ट्रेन आ गई जा रही हूँ वुल्ट्स और इधर से एथलब्रुक से मेरे दूसरी ट्रेन ली है और वो अब मुझे आई गेस दो स्टेशन के बाद ही वहाँ पर मुझे पहुँचा देगी आई थिंक एक स्टेशन के बाद एथलब्रुक से अब एक ही जो स्टेशन है नेक्स्ट जो आएगा वो गुगल्समॉल है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि ड्रीमी प्लेस है वो और ये मर्सिडीज़ बेंज वैन है जो कि वुल्ट्स तक लेके जाती है एंड आई एम जस्ट वेटिंग क्योंकि 5 मिनट हैं अभी This is the hotel. सो ये आप देख रहे हैं कि मेरी मर्सिडीज बेंज वैन जो है वो टर्न ले रही है और वो इसी तरफ आ रही है Let's see. यहाँ से मैं जा रही हूँ वुल्ट्स और मैं आप देख सकते हैं कि जो ये वैन है वो खाली है और मैं अकेले ही सफ़र कर रही हूँ बट ऐसा पहले भी हो चुका है क्योंकि यहाँ से मे भी ज़्यादा पैसेंजर्स ना जाते हों वहाँ पे
Wellington Trolley Scoot, which is my stop. Merci beaucoup. Adi. So this was my Mercedes-Benz van, my so यहाँ पर सारी transportation free है. वो so here I have noticed Peugeot cars are very much in Europe. It's a French brand और Peugeot cars की एक अलग ही grace है और just like Jaguar cars और Jaguar तो बहुत ही classy और बहुत ही one of my favorite cars. Jaguar की तो एक luxurious class है. So I have noticed Europeans, most of the Europeans purchase French made Peugeot cars because का जो logo है that is lion on it and I can see everywhere these cars are Peugeot cars are everywhere. So काफ़ी notice में आती हैं. So this one is the beautiful wheels. And Milo, Milo, come here. Milo. Milo is enjoying a lot. Milo, you were missing me? Yes, Milo was missing me. And now she's too happy to see me. Milo, don't go there. Hello Milo, where are you running? Where are you going, baby? Milo, Milo. और वर्ल्ड्स की सर्दी और आइसक्रीम. वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. सर्दी के साथ आइसक्रीम का जो मजा है ना, वो किसी चीज का नहीं है. आई मीन लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं बट मैं आइसक्रीम शुरू से और एंड एवरी काइंड ऑफ आइसक्रीम. पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स.